सो पिछले एपिसोड के अंदर तुम लोगों को याद हुआ कि जब मैं अपनी माइन का काम फिनिश करके ऊपर आता हूँ तो मुझे अपने बेड के पास एक अजीब सा स्ट्रक्चर नजर आता है, और उसी स्ट्रक्चर के अंदर होता है पूरा का पूरा नेदरराइट का आर्मर और सारे के सारे टूल्स। अब सवाल ये पैदा होता है गाइस कि ये आर्मर और टूल्स इतने ओपी वो भी नेदरराइट के यहाँ पे किसने रखे हैं। वेल, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग यही पता लगाने वाले हैं और देखने वाले हैं कि यहाँ पे किसने रखे हैं। लेकिन गाइस, इससे पहले हम लोग आज की अपनी इस वाली वीडियो की तरफ बढ़े। अगर तुम लोगों ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो यार क्या कर रहे हो, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नहीं हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलो अब बढ़ते हैं हमारी इस वीडियो की तरफ को। ऑल राइट गाइस, यार देखो अभी हम लोग आ तो चुके इधर, और ये देखो यार ये अभी का अभी वैसे का वैसे यहाँ पे वही वाला आर्मर रखा हुआ है। सो देखो अभी मैं इसको पहनने तो नहीं वाला क्योंकि यार मेरे को नहीं पता यहाँ पे कौन रखे गया है और ये किस वजह से रखे गया। तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ तैयार हो जाओ, वो आ रहा है। अब मेरे को नहीं पता यार कौन आ रहा है। यहाँ पे देखो बो एंड एरो और शील्ड वगैरह हर चीज रखी है, जैसे कोई पीवीपी या कोई वॉर होने वाली है। और अभी ना मैंने अपने सारे विलेजर्स से बात करी और ये बेचारे भी बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। इनसे मैंने पूछा कि यार यहाँ पे कौन रखे गया, अगर इनको कोई दिखाओ तो ये इनमें से यार किसी को भी नहीं पता कि यहाँ पे ना ये सामान कौन रखे गया है। लेकिन उन्होंने मुझे एक बहुत ज्यादा अच्छी बात बताई कि हमारे विलेज के अंदर ना एक लाइब्रेरियन रहता है जिसको ना बहुत ज्यादा नॉलेज है और वो हर वक्त ना किताबें पढ़ता रहता है, और वो इस वाले घर में रहता है। अभी जाके ना हम उससे बात करने वाले और उससे पूछने वाले कि यार अगर उसने देखा हो। हेलो ब्रो, हेलो, रुको गाइस मैं इससे बात करता हूँ और ना इससे बातचीत करके पूछते हैं कि क्या पता इसने शायद किसी को देखा हो। ऑल राइट गाइस, यार इससे मैंने अभी अभी सारी बात करी और इस लाइब्रेरियन को भी कुछ भी नहीं पता। ये भी बोल रहा है कि यार पता नहीं कौन यहाँ पर रखी गया है। लेकिन इसने मुझे ना एक बहुत ज़्यादा ओपी बात बताई है कि हमारे इस वाले वर्ल्ड के अंदर ना एक बाबा रहता है जिस जो ना एक जगह पे खड़े होकर पास्ट की चीजें देख सकता है। मतलब यार इसने बहुत ज्यादा हमें ओपी इन्फॉर्मेशन दी। अभी मैं ना इससे उसके कोऑर्डिनेट्स लेने वाला हूँ जहाँ पे वो बाबा रहता है, और अभी ना हम उस बाबा के पास जाके ना इस जगह का पता लगाने वाले हैं कि यार यहाँ पे कौन रखे गया है। ओके गाइस, तो मैंने अभी अपने लाइब्रेरियन से कोऑर्डिनेट्स ले लिए और वो वापसी चला गया अपनी किताबें पढ़ने क्योंकि उसको और जानकारी चाहिए इस वर्ल्ड के बारे में। भाई वो लिटरली बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ता है, 24 घंटे पढ़ता रहता है। खैर उसने हमें बताया अभी कि अगर हम लोग इस साइड से सीधा सीधा जाते हैं ना तो वहाँ पे हम लोगों को एक दिखने वाला है, मतलब एक छोटा सा घर दिखने वाला है और उसी के अंदर वो बाबा रहता है। हम लोगों को बस इधर से ना 1-2 लाख ब्लॉक चलना है और देन वो जगह आएगी। सो अभी बस हम लोगों को 1-2 लाख ब्लॉक यहाँ से ट्रैवल करना है जो कि यार सच में बहुत ज़्यादा दूर है। तो मैं तुम लोगों को सीधा उसके घर पर मिलता हूँ। सही में यार पता नहीं मेरे लाइब्रेरियन ने मुझे सही नॉलेज दी थी या गलत नॉलेज दी थी, क्योंकि यार काफ़ी देर हो चुकी है, 15-20 मिनट से मैं चल रहा हूँ और मुझे ना अभी तक कोई नामो निशान नज़र नहीं आया उस बाबा के ना घर का। वो सामने तुम लोग देख सकते हो, वेट, सामने आग चल रही थी। लेकिन यार वो कोई विलेज भी तो हो सकता है। हाँ यार ये कोई विलेज ही हुआ क्योंकि नहीं रुको, ये कोई विलेज नहीं है। और यार ये देखो ये सीन हो रहा है, मेरे इस वर्ल्ड में ना कितनी तेज़ बारिश हो रही है और ना बिजलियाँ कड़क रही हैं। लेकिन यार ये तो कोई अजीब सा बाबा का घर थोड़ी हो सकता है। अबे भाई हार्ट अटैक दिलाया गया क्रीपर, पागल इंसान। तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे ना यार ये अबंडेंट लग रहा है, और इससे पहले क्रीपर है इसके अंदर ना घर के अंदर जाके पता चलेगा कि ये बाबा का घर है या किस चीज़ का। यहाँ पे नीचे बेसमेंट भी जा रही है और ये बाबा है क्या? हेलो, ये बाबा है, लग तो यार बाबा ही रहा है। उसके भाई ये मरा हुआ है, जिंदा हिल तो रहा है। हेलो ब्रो, ये बाबा बाबा है क्या? रुको भाई मेरी हेल्थ भी ज़्यादा जा रही है। हेलो बाबा, तुम क्या बाबा हो? तुम वही बाबा हो, तुम यहाँ के बाबा हो? अरे भाई मार क्यों रहा है? मेरे को नहीं लग रहा यार ये बाबा है, शक्ल से तो मतलब बाबा ही लग रहा है लेकिन मार क्यों रहा है? भाई रुक जा, मैं मदद मांगने आया हूँ, अगर तू बाबा है तो बता मेरे को। और नूबड़ा वुडन के सोर्ड से क्यों मार रहा है? मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, ये देखो मैं इसको मार रहा हूँ। अबे दरवाजे बंद कर दिए, अजीब है यार। रुको मेरे को शायद नॉक करके जाना चाहिए था, मैं इसी के घर में घुस गया। यार देखो बाबा साहब मैं मदद मांगने आया हूँ, ये यहाँ पे कुछ कर तो नहीं रहा यार, मैं इसको परेशान कर रहा हूँ। रुको मैं मदद मांगने आया हूँ यार, दो मिनट मेरी बात सुन लो। अरे यार ये नहीं मानने वाला इसे। रुक जाओ, 2 मिनट मेरी बात सुन लो, मैं मारने नहीं आया। रुको मैं अपना आर्मर भी उतार देता हूँ, बस मैं अपना आर्मर भी उतार देता हूँ। ये लो मेरी स्वॉर्ड भी ले लो, मैं लड़ाई नहीं करने आया, मैं यहाँ पे बात करने आया हूँ। सो फाइनली गाइस यार काफ़ी देर बाद जाके बाबा आखिरकार मान ही गया, और मैंने इसको अपनी ना सारी बातें बता दी हैं कि मेरे वर्ल्ड में ना ऐसा ऐसा सीन हो रहा है, और ये मान भी गया है। लेकिन गाइस इस बाबा की ना एक शर्त है, ये बोल रहा है कि मेरी ना इधर दूर एक जगह पे ना एक कासल है, एक बहुत बड़ा ना मतलब किंगडम है जहाँ पे एक ना राजा रहता है। उस राजा ने ना इसकी वाइफ को कैप्चर कर रखा उस किंगडम के अंदर। सो ये मुझे कह रहा है कि तू जब तक मेरी वाइफ को नहीं छुड़वा के ला सकता, क्योंकि इसके पास तो कोई नहीं ना इसको पीवीपी करने आती है, तो ये मुझे बोल रहा है कि तू मेरी वाइफ को छुड़वा के ला तभी जाके मैं तेरी ना हेल्प कर सकता हूँ। सो सबसे पहले यार हम लोगों को अब इसकी वाइफ को छुड़वाना पड़ेगा उस किंगडम से, क्योंकि यार सिर्फ यही एक बंदा है इस पूरे वर्ल्ड में जो हमारी मदद कर सकता है। तो बाबा मैं रेडी हूँ बिल्कुल, और मैं तुम्हारी बीवी को छुड़वा लूंगा, लेकिन यार तुम मेरी उसके बाद तो मदद करोगे ना?
ओके गाइस, ये मान गया यार, इसकी बीवी को छुड़वाने के बाद ही हमारी मदद करने वाला है। तो चलो बाबा, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, मेरे को जल्दी से अब उस कासल की तरफ ले चलो। और गाइस, अभी अभी मुझे इस बाबा ने बहुत अजीब सी बात बताई है कि जिसको तू अपना वर्ल्ड बोलता है ना, इस वर्ल्ड का नाम असल में है ड्रीम लैंड। और यार, इस वर्ल्ड के अंदर तुम लोग देख रहे हो, ये इतने ज्यादा प्लेयर्स है, बाबा वगैरह, और एक पूरा का पूरा किंगडम यार, और मुझे पता ही नहीं था। खैर गाइस, अभी ये बाबा हम लोगों को ना उस जगह पे लेकर जाने वाला है जहाँ पे ना इसकी बीवी को कैप्चर करा हुआ है। तो जल्दी से ना वहीं पे चलते हैं, अभी बहुत ज्यादा बोर है, दूर है, तो मतलब काफी टाइम लगने वाला है, सीधा वहीं पे मैं तुम लोगों को भी मिलता हूँ। ऑल राइट गाइस, यार अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं, ऐसा मुझे बाबा ने कहा है। और भाई, यहीं से नजर आ रही है, तुम लोग देख रहे हो किंगडम का जो गेट है वो हम लोगों को नजर आ रहा है। और भाई, किंगडम का गेट कितना ऑसम लग रहा है यहाँ से। और एक सेकंड बाबा जी, मेरे से कुछ कहना चाहती हो? कुछ कहना चाहते हो बाबा जी आप? ओके गाइस, मेरे को बाबा कुछ कहना चाहते हैं, मैं इनसे ना बात करके फिर मैं तुम लोगों से मिलता हूँ। ओके गाइस, तो मैंने ना अभी इस बाबा से बात करी, और मतलब यार, ये इस किंगडम के अंदर जाने से ना डर रहा है, उस राजा से पत्नी, ये इतना क्यों डरता है? ये बोल रहा है कि भाई तू ही जा, तू ही मेरी बीवी को छुड़वा के ला, मैं अंदर नहीं जाऊँगा। अब यार, हम लोगों को अंदर जाना तो अकेले होगा। तुम लोग देख सकते हो कितना बड़ा यार ये किंगडम है। इसके अंदर जाके इसने कहा कि इस साइड पे ना, लेफ्ट साइड पे एक कासल है, उसके अंदर इसकी बीवी को कैप्चर करा हुआ है। तो चलो ठीक है बाबा जी, तुम मेरा यहीं पे वेट करो, मैं आपकी ना वाइफ को छुड़वा के लाता हूँ, 5 मिनट में मैं आ रहा हूँ, ठीक है? तुम मेरा यहीं पे वेट करना। चलो गाइस, ये तो बेचारा डर रहा है, अंदर जाने से भी हम लोगों को ना अकेले जाना होगा। और यार, ये मतलब किंगडम कितना ज़्यादा टाइट लग रहा है, और मैं इतने खुले में क्यों जा रहा हूँ? इधर हम लोगों को ना छुप के जाना होगा, क्योंकि अगर किसी ने हम लोगों को देख लिया ना भाई, तो इधर मतलब वो बता देगा। और अगर राजा को पता चल गया ना गाइस, मैं इस तरह जाने वाला हूँ कि राजा को ना पता ना चले कि यहाँ पे कोई आया है। और अभी तो यार यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई भी नहीं, क्योंकि देख रहे हो कितना मतलब शांति से यहाँ पे माहौल है। तो फिलहाल गाइस, मुझे ना बाबा ने कहा था कि इसी साइड पे जाना है, इस साइड पे तुम्हें ना एक माइन नजर आएगी, उसके साइड पे ना कासल भी है, और उसी कासल के अंदर ना इसकी बीवी को कैप्चर करा हुआ है। वो तुम लोग देख सकते हो, कासल का ना झंडा मुझे नजर आ गया, उस साइड पे कासल है, और ये शायद माइन होगी इस साइड पे, रुको देख लेते हैं। हाँ गाइस, ये माइन है, तुम लोग देख सकते हो अंदर की तरफ ना, इधर माइन नजर आ रही है हम लोगों को, अंदर की तरफ माइन जा रही है। और इस साइड पे, और ऊपर देख लो भाई, ऊपर गार्ड्स हैं, विलेजर, तुम लोग देख रहे हो उसने कैसे खड़े करे हुए। उसने अगर मुझे देख लिया ना भाई, ये सीधा मतलब हॉर्न बजा देगा। तुम लोग देख सकते हो उसके ना उधर हॉर्न भी है, तो उसके नज़रों में हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं आना। इस साइड से हम लोग चुपके से जाते हैं, इस कासल के अंदर उसकी बीवी को कैप्चर करा हुआ है। और फिलहाल के लिए गाइस, अभी तो यहाँ पे कोई भी नज़र नहीं आ रहा। और वो देखो भाई, उन्होंने ना मुंडियाँ लटकाई हैं मार मार के। वो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैंडोर प्रिजन। ओ भाई, यहाँ पे मतलब फांसी वगैरह लगाते हैं जो मतलब प्रिजनर्स होते हैं। और ये रहा गाइस वो कासल, अभी यार कोई नज़र तो नहीं आ रहा, आई थिंक इसके अंदर कोई ना कोई तो होगा, उसके पास तो शायद कोई ना कोई हो, क्योंकि भाई प्रिजनर्स के पास तो कोई ना कोई गार्ड ज़रूर होता है। और ये खुल ही नहीं रहा। ओके, तो खुल गया, इसके अंदर चलते हैं, एंट्रेंस यहीं से हम लोगों को ना इसके अंदर ढूंढना पड़ेगा, कहीं इसी के अंदर ना मतलब प्रिजन बना हुआ, उसी के अंदर उसकी बीवी है, उसी को बस हम लोगों ने जल्दी से छुड़वाना है। फिलहाल यार, तो पूरा मतलब कासल खाली पड़ा हुआ, और यहाँ पे आर्मर्स रखे हुए हैं। भाई साहब, ये कौन से आर्मर है, ब्लैक कलर के यार, लग रहे अच्छे। मैं यहाँ से कोई अभी चीज़ नहीं उठाने वाला, क्योंकि अगर मैंने यहाँ से कोई भी चीज़ उठाई ना भाई, राजा को पता चल जाएगा। और राजा को अगर पता चल गया ना भाई, हमारी वार्ड लगने वाले। और इधर से अभी ऊपर की तरफ हम लोग चलते, क्योंकि इधर से ऊपर की तरफ ना रास्ता को जा रहा है। और भाई, ये शायद ये प्रिजन तुम लोग देख रहे हो, यहाँ पे बेड वेड लगे हैं। और भाई, यहाँ पे गार्ड है, इसने मेरे को देख लिया क्या? अबे नहीं, रुको रुको, मेरे को ऊपर जाना पड़ेगा, इसने मेरे को देख लिया। अबे भाई, इसको मेरे को मारना पड़ेगा किसी ना किसी तरह इसको मारना पड़ेगा। कहाँ रह गया ये, आ रहा क्या? अबे नहीं भाई, इसको मारना पड़ेगा, इसको गाइस मारना पड़ेगा, वरना इसने अगर बता दिया ना, रुको इसको यहीं से मारते हैं भाई, इसको मारना पड़ेगा। वो ये मेरी हेल्थ खा रहा है, ऐसे नहीं मरेगा यार, ऐसे नहीं। रुको, ये आ गया, इसको रिपेयर देते हैं यहाँ पे। अगर यार इसको मैंने नहीं मारा ना, देखो इसको मारना सही तो नहीं, क्योंकि बेचारा ही है यार, इस बेचारे को मारना ही पड़ा, क्योंकि यार अगर इसको मैं नहीं मारता ना, तो ये मतलब किंग को बता देता, और अगर किंग को पता चल जाता ना, तो हमारी वार्ड लग जाती। और जहाँ पे खड़ा होता ना, इस जगह पे खड़ा होता, शायद यहीं पे उसकी ना वाइफ हो। कहाँ है इसकी वाइफ? इसकी वाइफ यहाँ पे तो नहीं है, इस जगह पे कहीं पे ढूंढनी पड़ेगी यार हम लोगों को। यार ये सारे खाली पड़े हैं, प्रिजनर्स भी नहीं है यहाँ पे, कोई बंदे भी नहीं है। आखिर यहाँ पे बंदे कहाँ गए? आई थिंक यहाँ का ना जो किंग है, वो कहीं पे घूमने गया हुआ, और सारे ना मतलब गार्ड्स वगैरह उसके साथ ही गए होंगे। और ये रही उसकी वाइफ। ओ भाई, हेलो हेलो, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ, मुझे तुम्हारे शोहर ने यहाँ पे भेजा, इधर आओ, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बचाने आऊँ, मैं तुम्हें मारने नहीं आया, आ जाओ। ये मेरे से बेचारी डर रही थी, फिलहाल मैंने इसको समझा दिया है। कहाँ रह गई ये? आ जाओ, मेरे पीछे आ जाओ,
अरे मार क्यों रही हूँ, मैं तुम्हें बचाने आऊँ, मेरे से डरो नहीं, आ जाओ मेरे साथ साथ आ जाओ। ओके तो अभी ये मान तो गई है मेरे साथ चलने के लिए, और मतलब इसको भी हम लोगों को ना सेफली यहाँ से लेकर जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर अभी भी हम लोगों को किसी ने देख लिया ना उसको भी हम लोगों को मारना पड़ेगा। जल्दी जल्दी आ जाओ। अरे यार देखो इसको एक्सप्लोर करने का तो मेरा भी दिल चाह रहा है, क्योंकि ना बहुत ज़्यादा बड़ा और प्यारा किंगडम है यहाँ का, लेकिन यार अगर हम लोगों ने इसको एक्सप्लोर करा और हमें किसी ने और ने देख लिया ना तो वहाँ पर भी कोई सीन हो सकता है। और वो जो तुम लोग देख रहे हो ना इमारत, वहाँ पे असल किंग रहता है, और मेरे ख्याल अभी यहाँ पे किंग नहीं है रहता, वो वहाँ पे वो जो बड़ा तुम लोग देख रहे हो ना वो असल का असल है, ऐसा मुझे उस बाबा ने बताया था। और अभी मेरे साथ आ रही ना, ये रहा हमारा पुल, और अभी इसको जल्दी से यहाँ से लेकर चलते हैं। तो चलो गाइस हम लोग अभी बाहर निकलने वाले हैं। और यार ये तो अच्छा हुआ कि ना अभी यहाँ पे राजा नहीं था, अगर राजा होता ना तो यहाँ पे किंगडम के और भी गार्ड्स होते हैं। हेलो बाबा जी, ये देख लो मैं छुड़वा के ले आया हूँ तुम्हारी बीवी को। बाबा जी हेलो, अभी इसको क्या हो गया? और यार मैं इसको मार नहीं सकता, देख रहे हो, मतलब यार ये कोई मायावी बंदा है, पास्ट भी देख सकते हो और हम लोग इसको देख रहे हो मार भी नहीं सकते। और भाई ये देखो तुम्हारी बीवी को हम लोग छुड़वा के लिए आए, और रुको अभी मैं इनसे थोड़ी बात करता हूँ क्या इनका रिएक्शन हो रहा है। देख रहे हो भाई कितना खुश हो रहे हैं दोनों, चलो मैं इनसे थोड़ी बात करता हूँ, देन मैं तुम लोगों को मिलता हूँ। ऑल राइट गाइस, यार अभी मैंने इन दोनों से बात कर ली, और अभी बाबा जी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, मैं इनकी ना वाइफ को छुड़वा के लिए आया हूँ, और ये भी मेरी 100% ना हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो चलो बाबा जी इस साइड पर आ जाओ, मैं तुम लोगों को ना अभी अपनी जगह पर लेकर चलता हूँ, जहाँ पर हमारी ना मतलब यार हम क्या हुआ है वहाँ पर, क्यों हो रहा है मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी इन्हीं से पता चलने वाला है। तो चलो गाइस फटाफट अभी यहाँ से ना वो जगह हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा दूर है, मैं इनको फटाफट वहाँ पर लेकर चलता हूँ, देन मैं तुम लोगों को वहीं पर मिलता हूँ। फाइनली गाइस तुम लोग देख सकते हो यार हमारा विलेज नज़र आ चुका है, यार कसम से इतनी ज़्यादा दूर था ना ये किंगडम और मेरी जो जगह है इतनी ज़्यादा दूर है। तो बाबा जी आ जाओ उस साइड पे, मैं तुम लोगों को अभी दिखाने वाला हूँ यार। और ये बाबा जी इतना मायावी ना, मतलब तुम लोगों को अगर किसी को नहीं पता ना, ये एक जगह पे खड़े होके ना उस जगह का पास्ट देख सकता है ये बाबा, इसको इसलिए मैं लेकर आया हूँ अपने साथ। और अभी मैं इसको ना यहाँ का पास्ट दिखाने वाला हूँ, मतलब इससे देख के हम लोग पता लगाने वाले हैं कि यहाँ पे ये वाला जो तुम लोग आर्मर देख रहे हो ना ये यहाँ पे किसने रखवाया है। ये वाला आर्मर का जो तुम लोग देख रहे हो ना कितनी ज़्यादा ओपी टूल्स, और ये आर्मर अभी बाबा ने यहाँ पे देखेगा, और ना मतलब बाबा जी तुम देखो और ना हमें बताओ कि यहाँ पे किसने रखी, ठीक है तुम अपना काम स्टार्ट करो। सो गाइस 5 मिनट हो गए और बाबा ना कब से यहाँ पे बैठा हुआ है यार, इसको पता नहीं क्या हो गया है, यहाँ पे देख रहा था। और भाई हेलो बाबा जी, अबे ये क्या हो गया इसको,